हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है उमेश और मैं एक सोलो प्रेनर हूँ इंडिया से। और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि बिटकॉइंस के जो एटीएम खुले हैं बिटकिंग और इसके डेबिट कार्ड्स जो बिटकिंगडम में इशू हो गए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा। ठीक है, तो चलिए अभी मैं उस पर जाने से पहले आपको बता दूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट पेज पर आकर यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप मुझे कहीं भी किसी भी तरह से मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक, यूट्यूब या यहाँ पर भी डायरेक्ट मैसेज करके मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो। ओके, तो मैं अभी इसको कैंसिल करता हूँ। तो ये मेरा फेसबुक पेज है, यहाँ पर आकर भी आप मुझे मिल सकते हैं। ठीक है, ये मैं लिंक नीचे दे दूंगा दोनों पेजेस के, मेरे को कोई क्वेश्चन आप पुट कर सकते हैं। ये भी बंद करता हूँ मैं। तो चलिए अभी मैं चलता हूँ आपको लेकर जो है बिट किंगडम की जो है, मैंने एटीएम के बारे में आपको कुछ थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, ये है मैंने पहले से स्नैपशॉट रखे हुए हैं यहाँ पर। अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि बिट किंगडम का जो एटीएम है, जो ऑलरेडी यूज़ होने लग पड़े हैं, ये देखिए आप बिट किंगडम का लोगो है इसमें। तो बिट किंगडम के जो एटीएम ऑलरेडी आ गए हैं मार्केट में और ये पूरी तरह से जो है यूज़ होने के लिए रेडी हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी यूज़ हो भी रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे डेबिट कार्ड पर्सन ने यूज़ किया हुआ है, और जो ये बिटकॉइन का डेबिट कार्ड है, तो ये बिट किंगडम की कम्युनिटी, जो हमारी कम्युनिटी है बिट किंगडम की, उसमें ये एक डेबिट कार्ड यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से आप इस वीडियो में देख सकते हैं जो बिट किंगडम के जो एटीएम्स है वर्ल्ड वाइड लगने शुरू हो गए हैं, जो कि वियतनाम, अभी अभी रिसेंटली ये लगे हुए हैं। जो कंट्रीज़ हैं उनमें वियतनाम है, मलेशिया होगी और शायद इंडोनेशिया भी है इसमें। ठीक है, तो ये इनके एटीएम, और ये देखिए लाइव परचेज करके दिखाया है इस पर्सन ने जो है बिटकॉइन के डेबिट कार्ड से, जो कि बिटकिंगडम का हमारा मेंबर है कम्युनिटी का। तो ये डेबिट कार्ड जो है अभी लॉन्च हो गए हैं। ठीक है, वियतनाम और मलेशिया वगैरह कंट्रीज़ में। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं पर्सन यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे जो है, जो कह सकते हैं बिटकिंगडम कम्युनिटी में ड्यूक है ये पर्सन, मतलब एक तरह के किंग के पास, किंग के लेवल पे पहुंचे हुए हैं। और ये सभी मेंबर्स वहाँ पे वियतनाम के हैं और ये बिटकिंगडम की जो है एटीएम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और ट्रांजेक्शन करने में इजिली कर रहे हैं। और मैं अगर आपको पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपको अभी भी, अगर आप न्यू हैं, अगर आपको बिटकॉइन के बारे में कुछ नहीं पता है, तो आप ये बात ध्यान में रख लीजिए कि बिटकॉइन जो है एक फ्यूचर की करेंसी है। ठीक है, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है जो बोल रहा हूँ यहाँ पे। जो इसके एटीएम्स और डेबिट कार्ड जो लॉन्च हो रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये देख लीजिए आप खुद ही, बिटकॉइन जो है व्यूज़, बिल गेट्स ने क्या कहा है इस पर। बिल गेट्स ने कहा है, बिटकॉइन इज़ एग्जिस्टिंग बिकॉज इट शोज़ हाउ चीप इट इज़। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैन बी, बिटकॉइन इज़ बेटर दैन करेंसी इन दैट यू डोंट हैव टू फिजिकली इन द सेम प्लेस, एंड ऑफ कोर्स फॉर अ लार्ज ट्रांजेक्शन करेंसी कैन गेट प्रीटी इनकन्वीनियंट। राइट, तो बिल गेट्स कोई छोटे मोटे आदमी तो है नहीं। ठीक है, आपको ये पता ही है कितने बड़े ये पर्सन है, और एक जब ये कुछ बात कहेंगे तो इसमें कुछ दम तो होगा ही। ठीक है, और बिट के, और मैंने अभी एक वीडियो पुट की हुई है जो कि है बीटीसी के वॉलेट्स और बीटीसी के एटीएम्स के बारे में, थोड़ी सी एक 2 मिनट की वीडियो होगी, आप प्लीज़ उसको चेक कीजिए अभी, और फिर मैं आगे उसको आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। गुड इवनिंग, दिस इज बिट किंगडम्स डेबिट कार्ड। ऑलराइट, लेट्स ट्राई टू मेक अ परचेस। Can I have one ice blended mocha? Okay, small regular? Regular. With cream? Yeah, with cream. Okay. Your name, sir? Shankar. Let's shop. After making each purchase, this notification will be sent to your handphone. So as you can see here, this coffee costs 0.0109 bitcoins. It's as simple as that. This is how the ATM works. So on first screen, you'll see the languages. You can change language, or there are even more languages. So I'll stick to English. I'll click here. I can see the current exchange rate. I can click on buy bitcoins. Now I will use my wallet to scan the QR code. There the cash.
And now I can click on buy bitcoins. So now it goes to Bitstamp, buys bitcoins there, and sends them to my wallet, which hopefully I'm connected. Okay, done. तो चलिए अब अपनी वीडियो चेक कर ली होगी तो मैं आपको आपको बताता हूँ कि बिटकॉइन की पावर क्या है. ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होता था, जैसे आप बिल्कुल न्यू भी हैं, अगर आपको अभी भी नहीं पता कि बिटकॉइन क्या है और ये क्या चीज़ नहीं आ गई है मार्केट में, तो मैं आपको बताता हूँ कि बिटकॉइन एक करेंसी है जो कि फ्यूचर की करेंसी है. मतलब आज भी ये चल रहे हैं काफ़ी टाइम से, 2008 से 9 से चलनी जो है स्टार्ट हो गई है. बहुत ही बढ़िया चल रही है, अप एंड डाउन तो चलते रहते हैं करेंसी में, बट अभी जो ये जो दिसंबर 2012 तक ये $1,000 का मार्क क्रॉस कर जाएगी. ठीक है, और मैं कोई ये खुद से नहीं बोल रहा है, ये देखिए ये फीचर स्टोरी आई थी बिटकॉइन प्राइस की, प्रेडिक्शन की है 2016 में कि राइज कर जाएगा $1,000. तो अभी अगर आप गूगल पर जाते हैं, मैं इसको पहले क्रॉस कर देता हूँ, तो अगर आप अभी गूगल पर जाते हैं और लिखते हैं यहाँ पे 1 BTC का प्राइस क्या है आज, 1 BTC इन $, तो अभी आप देखेंगे इसका प्राइस है $573.91 इसका प्राइस आज चल रहा है 1 BTC का. ठीक है, तो ये जो प्रेडिक्शन हुई है, ये प्रेडिक्शन हुई है जो है बहुत ही बड़े, इनका विनय लिंगम नाम है इनका, बिटकॉइन के बहुत ही फैमिलियर नेम है ये. ठीक है, इन्होंने प्रेडिक्शन की है कि 2016 में ये $1,000 से पार चला जाएगा, और ये इन्होंने दो प्रेडिक्शन पहले भी की थी, ये थर्ड टाइम इन्होंने प्रेडिक्शन की है, लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज़ द थर्ड टाइम. ओके, तो इन्होंने दो प्रेडिक्शन पहले भी की थी, वो बिल्कुल सही गई है. लोग इन पर हंस रहे थे कि ऐसा नहीं होगा, बट ये ऐसा हो गया और ये आगे आने वाले टाइम में भी होने वाला है. क्यों होने वाला है? क्योंकि अब ये करेंसी का जो है, ये करेंसी फ्यूचर करेंसी में आ गई है, बिटकॉइन ATM फ्यूचर करेंसी, और इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपना जो है अमाउंट जो है इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया. और मैं अगर आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, मैं गूगल सर्च मारा कॉर्पोरेट इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइंस. ठीक है, तो यहाँ पे मैं सर्च पे अभी पहला लिंक अपना ओपन करता हूँ, इसमें देखते हैं क्या रिजल्ट आता है. तो देखिए अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साइट ओपन हो गई है, कौन कौन सी कंपनीज ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया हुआ है. तो ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है, मास्टर कार्ड आप देख रहे हैं, मास्टर कार्ड से लेके न्यूयॉर्क लाइफ, माइक्रोसॉफ्ट है इसमें, यहाँ पे तो नहीं शो रहा, पर मेरे पास सारी पड़ी हुई है. मेरे पास देखिए IBM है, फाइनेंशियल सर्विस एंड स्ट्रेटजिक इन्वेस्टर्स इन ब्लॉकचेन एंड बिटकॉइन स्टार्टअप्स में. देखिए आपके न्यूयॉर्क लाइफ, CNBC, मास्टर कार्ड, वीज़ा, और ये कंपनी कोई छोटी मोटी नहीं है. अगर कोई वीज़ा, मास्टर कार्ड, पेपाल जैसी कंपनीज अगर किसी के साथ काम करती हैं, किसी भी कंपनी के साथ, तो वो हमेशा लेजिट कंपनी होती है. मतलब बिटकॉइन लेजिट है, और बिटकिंगडम जो है, बिटकिंगडम भी उसी रूल्स पे काम कर रहा है, मीन्स जो है बिटकॉइंस के साथ. ठीक है, तो इस तरह मेरे पास पूरी प्रेजेंटेशन पड़ी है, अगर आपने पूरी प्रेजेंटेशन देखनी हो तो मैं ये लिंक भी नीचे आपको दे दूंगा, जो है स्लाइड शेयर का लिंक है, और इसमें पूरी प्रेजेंटेशन है बिटकॉइन की, आपने कैसे जो है बिटकॉइन के बारे में आप एक एक स्टेप देख सकते हैं बिटकिंगडम के साथ ये कैसे काम कर रहा है. मैं आपको यहाँ पे लेके जाता हूँ, एक सीधी सी बात बताता हूँ आपको मैं. इसको आप बिटकॉइन को जो है गोल्ड की तरह देख सकते हैं. ठीक है, ये गोल्ड जैसे गोल्ड है, गोल्ड की वैल्यू बढ़ती रहती है, थोड़ी सी कम होती है, तो वैसे ही बिटकॉइन है, जो मार्केट वैल्यू होती है उसी हिसाब से बिटकॉइन काम करता है. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज में. ये है रिचर्ड ब्रांसन, इन्होंने जो है स्पेस में जाने के लिए फ्लाइट्स इनकी, आप इनको अगर नहीं जानते तो ये वर्जिन एयरलाइंस के ओनर हैं, और ये जो है स्पेस में जाने के लिए इन्होंने फ्लाइट्स बुक करने के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, कि बिटकॉइन से आप पैसे पे कर सकते हैं, क्योंकि ये हाईली चीप है, और जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बिल गेट्स ने कहा है, क्योंकि हाईली चीप है और ईजिली प्रीटी इनकन्वीनियंट है. ठीक है, रादर देन पूरा कैश देने से, मतलब हार्ड कैश देने से, या फिर आप किसी और तरीके से पे करने से, बिटकॉइंस में चार्ज भी बहुत कम लगता है, और ये इजीली जो है सिक्योर भी है काफ़ी. और मैं अभी आपको आगे बताता हूँ कॉरपोरेशंस. देखिए यहाँ माइक्रोसॉफ्ट है, ये वर्जिन एयरलाइंस है उनकी. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पेपाल है इसमें, विक्टोरिया सीक्रेट है, एक्सपीडिया ने एक्सेप्ट किया हुआ है बिटकॉइंस को. राइट, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, आप इसको पूरी मेरी 48-49 पेज की ये पूरी प्रेजेंटेशन आप जाकर आराम से, मैं आपको ये लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिए. ठीक है, तो अभी मैं इसे कैंसिल करता हूँ. और फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, अपने कॉइन डेस्क में अगर .com में जाकर आप सर्च मारते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो है बिटकॉइंस जो है एक्सेप्ट करने लग पड़ी हैं गवर्नमेंट एजेंसी सर्विसेज के लिए भी. तो इसके लिए इससे जो है इसका प्राइस जो है बिटकॉइन का बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है. ठीक है, जंप कर रहा है और आगे भी बढ़ने वाला है. तो तभी किसी ने प्रेडिक्ट किया है जो विनय लिंगम मैंने आपको बताया था कि ये प्राइस जो है $1,000 के पार जाने वाला है इन दिसंबर 2016 में. ठीक है, और बाकी आप अगर यूनिकॉइन में आते हैं तो इसका प्राइस आप देख सकते हैं आज का इंडियन रुपीज़ में इसका प्राइस 40,605 रुपये आज है. ओके, तो मेरे को लगता है आप मेरी बात यहाँ पे समझ गए होंगे ढंग से कि कैसे बिटकॉइन है और ये कैसे आपको बेनिफिशियल दे सकता है. तो जो मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ वो बिटकिंगडम, उसका नाम है बिटकिंगडम, और ये कंपनी जो है इसमें
मैं पिछले एक महीने के करीब होने वाला है मुझे इसमें काम करते हुए, और इसमें क्या है आपको 1% इंटरेस्ट मिलता है जैसे आपने मनी इन्वेस्ट की। जैसे आप बिटकॉइंस जो होते हैं एक करेंसी होती है, ठीक है, लाइक जैसे ये दिखा रहा है यहाँ पे करेंसी है BTC, ऐसे हम यहाँ पे INR लिखते हैं अपना, 1 लाख का INR है या 1 लाख का INR लिखा तो हमारे पास 2 BTC आ गए। इस तरह से ये BTC कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो 2 BTC अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर अगर आप 2 BTC का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1% डेली के हिसाब से आपको अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ मैं मिनिमम, ठीक है, 20,000 रुपये मंथली आपको आना शुरू हो जाएगा यहाँ से बिना किसी टेंशन के, ठीक है। तो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना बहुत ही बढ़िया है और मैं ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर चुका हूँ और मेरी अर्निंग्स आ रही हैं तो आप भी इससे बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आप स्मूथली चलेंगे और इसकी जो है प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ रही है तो आपको बेनिफिट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आगे भी बिटकॉइंस की जो अपडेट्स आ रही हैं वो मैं आपको देता रहूँगा और बिटकिंगडम के साथ जो भी इसके लिंक हो रहे हैं वो मैं आपको शो करता रहूँगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।